हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड एंड सर्कुलेशन। आज हम ब्लड एंड सर्कुलेशन पे बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिंग टू टिश्यू हूज पीएच वैल्यू 7.4। जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। देयर इज एन एवरेज ऑफ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का एवरेज होता है वो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है ह्यूमन में, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड कम पाया जाता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसकी बॉडी जो होती है 2 पार्ट्स में विभाजित होती है। पहला कौन सा होता है? प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स। फर्स्ट प्लाज्मा है, तो चलिए हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। दिस इज द लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है। 60% ऑफ द ब्लड, ब्लड का 60% भाग जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। इट इज 90% इज वाटर, और इसका 90% भाग जो होता है वो क्या होता है? वाटर, जल होता है। 7% प्रोटीन होता है, 7% भाग इसका प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग जो होता है वो सॉल्ट होता है, एंड 0.1 इज ग्लूकोज। क्या होता है? 90% जो होता है वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% साल्ट होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। और प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वो डाइजेस्टेड फूड को एंड हार्मोन्स को, स्टेक्ट्री प्रोडक्ट को, एक्सेट्रा क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सेकेंड हमारा क्या है? ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल जो होता है 40% पार्ट ऑफ द ब्लड, मतलब कि 40% पार्ट जो होता है वो ब्लड होता है। ब्लड कॉर्पसल्स में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आप जानते हैं जो हमारे ब्लड में रक्त कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है ब्लड कॉर्पसल, जिसको हम बोलते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स ना। तो हम उसी के बारे में आज आपको समझा रहे हैं। तो ये पहले है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब कि हम RBC की बात करते हैं। जो RBC का लाइफ स्पैन होता है वो 20 से 120 डेज का होता है, मतलब 20 से 120 दिन तक ये RBC की लाइफ स्पैन होती है। फंक्शन ऑफ RBC इज, RBC का जो कार्य होता है टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स, वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सभी सेल्स को प्रोवाइड कराती है, मतलब कि उसमें ले जाती है, एंड ब्रिंग बैक टू CO2, और CO2 को वापस निकालती है, मतलब ऑक्सीजन को ब्लड में इंटर कराती है हमारे सेल्स में, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालने का कार्य होता है वो किसका होता है? RBC का होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का होता है। सेकेंड पार्ट है हमारा व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब कि WBC। ये WBC है, ये मतलब दूसरी रक्त कणिकाएं हैं। इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 1 से 2 दिन का होता है, 1 से 2 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। जो ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है इसका वर्क जो होता है, जो इसका फंक्शन होता है वो क्या काम करती है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, मतलब कि बीमारी से रक्षा करने का कार्य करती है WBC। उसके बाद थर्ड जो हमारा है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड पार्ट हमारा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। इसकी लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन की होती है, 3 to 5 डेज। इट्स फंक्शन इज टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, मतलब कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है। ब्लड प्लेटलेट्स से जैसे हम 2.5 लाख तक हमारे बॉडी में जो ब्लड पाए जाते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो हमें एकदम से वीकनेस और बहुत ज़्यादा फीवर्स हो जाती हैं। जैसे हमें कहीं पर भी चोट लग जाती है तो जो ये होता, चोट लग गई, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो जो प्लेटलेट्स होता है वो वहाँ पर आकर के
हेल्प करता है क्लॉट करने में, मतलब कि वहाँ के जो रक्त होते हैं उनको थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। तो आज आपने पढ़ा ब्लड एंड सर्कुलेशन, हम नेक्स्ट टॉपिक में ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फ्रॉम वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।